हाय फ्रेंड्स, मैं आर्यन हुसैन स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पेट जीवानगी में। आज का मेरा वीडियो टॉपिक अमन भाई के कंकराच कॉ के ऊपर है, जो कि 2022 के लिए भाई ने खरीदा है। ये देखें, बहुत ही बड़े जिसामत का ये कंकराज है, बहुत ही खूबसूरत है। और मतलब जो शौकीन होते हैं ना जानवर के, वो वक्त नहीं देखते कि कब किस वक्त में खरीदना है जानवर को। तो वैसे ही हमारे अमन भाई देखें अभी से इस जानवर को खरीद चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा जानवर है ये। क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे कंकराज के बैल को देखा, क्योंकि मैक्सिमम इंसान कंकराज के बैल को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो थोड़े बड़े जिस्मत के रहते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे गाय के हिसाब से देखें कि ये कंकराज का गाय है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा वजूद का ये गाय है। और अभी काफी वक्त बाकी है और अमन भाई ने अभी से ही इस पे मतलब दिल फिदा कर दिया अपना। तो इतना मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ये जिस भी एरिया में उतरेगा मार्केट हिला देगा, क्योंकि बहुत बड़ा जानवर है और अभी इसको और बनना बाकी है। अगर आप ध्यान दें जानवर में, तो जानवर की हड्डी बहुत चौड़ा हड्डी का जानवर है ये, और अभी भी बनेगा ये जानवर। ये देखें माशाल्लाह, अभी गोलाई देखें, अभी से गोलाई को देखें। कोई भी जानवर मोबाइल में सही से समझ नहीं आ पाता है, और जो जानवर पहचानने वाले रहते होंगे वो ठीक पहचान जाएंगे कि ये जानवर कितना बड़ा जानवर है। ये एक नए इंसान समझेंगे कि अरे यार जानवर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जानवर बहुत बड़ा है। अगर उस भाई के हिसाब से देखें जो बगल में उनका वीडियो बना रहे हैं, बहुत ही तंदुरुस्त, बहुत ही सेहतमंद, बहुत ही माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा सा ये जानवर है। और सबसे बड़ा बात है कि एक गाय है। कंकराज के बुल तो बहुत कोई लेके आते हैं, लेकिन अमन भाई हमारे कंकराज के गाय को लेकर आ रहे हैं इस बार। और माशाल्लाह बहुत ही उम्दा नस्ल है ये कंकराज। तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा समझिए एक ब्रांड है गाय में। और गाय और बैल में अक्सर लोग गाय को पसंद करते हैं ज़्यादा, और अक्सर देखा गया है कि गाय का जो दाम रहता है वो बैल से ज़्यादा ही रहता है ना। और पहला इंटेंशन इंसान का गाय के ऊपर ही आता है कि गाय मिल जाए तो बेहतर है, और कैंकरेज में अगर गाय मिल जाए तो सोचिए कितना बेहतर होगा। तो अमन भाई के इस पसंद को मेरे तरफ से दिल से सलाम, बहुत ही बेहतरीन जानवर लेकर आ रहे हैं वो। तो अमन भाई का मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने इस जानवर को जो अभी उन्होंने खरीदा है उसका वीडियो उन्होंने पेट दीवानगी चैनल में लगाने का इजाजत दिया। ये देखें बहुत ही प्यारा सा गाय है और अभी इसे बनना बाकी है। अभी इतना तड़कदार भड़कदार है, तो सोचिए आने वाले दौर में जो बकरीद का मोमेंट होगा उस टाइम तक माशाल्लाह कितना जबरदस्त जानवर बन जाएगा। और एक बात और मैं बता दूं, ये जानवर अमन भाई आपके लिए भी, ये जानवर मुझे देखकर लग रहा है कि बहुत टेढ़ा जानवर है ये, क्योंकि ये कान बहुत जल्दी खड़ा कर रहा है बहुत। ये देखें, क्योंकि भाई लोग उन लोगों को खटाल में रख के पाले हैं तो इसलिए उतना ज़्यादा कुछ कर रहा नहीं है, लेकिन ये नया चेहरा देख के हो सकता है कि फड़केगा। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जानवर बहुत कान खड़ा कर करके रख रहा है। तो अगर इसे लाएं तो बहुत ही एहतियात के साथ लाइएगा, क्योंकि जानवर देख के एग्रेसिव लग रहा है और कंकराज अपने आप में एक एग्रेसिव ही नस्ल माना जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ एक ज़रूरी काम कर दीजिए कि बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरीके से मेरा वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।